पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सुपरमार्केट मुरादाबाद का मुख्य बाजार है जो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स में बना है। इसी सुपरमार्केट की तस्वीर आज कुछ दबंग माफियाओं और दबंग नेताओं ने बदल कर रख दी है। किसी समय एमडीए का नक्शा पास कराने के लिए बिल्डर ने जिस तस्वीर को पेश किया था वो आज बिल्कुल उसके उलट हो चुकी है। अवैध निर्माण और अवैध पार्किंग करके इस मार्केट में पनप रहे माफियाओं की चांदी कट रही है। आलम यह है कि अब यहां के दुकानदार अवैध कब्जे और निर्माण से तंग आ चुके हैं और प्रशासन से शिकायत तक कर चुके हैं, लेकिन एमडीए के जेई से लेकर बड़े अधिकारियों तक सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। कभी समिति के चुनाव को लेकर चर्चा में रही ये सुपरमार्केट अब अवैध धन उगाही का अड्डा बनती जा रही है। यहाँ प्राइवेट पार्किंग बनाकर ग्राहकों से अवैध वसूली की जा रही है, तो अवैध निर्माण करके इस मार्केट के माफिया जबरन धन उगाही कर रहे हैं। आलम तो यह है कि यहाँ पनप रहे माफिया पहले तो अवैध निर्माण करा लेते हैं और फिर उसे निर्मित इमारत को किराए पर दे दिया जाता है। एमडीए के नक्शे की बात करें तो मार्केट में थर्ड फ्लोर पर कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन माफियाओं ने नेताओं के नाम का सहारा लेकर दर्जनों अवैध निर्माण करा डाले हैं और अब धन वसूली का अड्डा बना लिया गया है। आलम यह है कि लिफ्ट के लिए छोड़ी गई जगहों पर भी इन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उसकी जगह पर अब दुकानें चलाई जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि राजनेताओं का डर और अपनी अच्छी छवि दिखाकर अधिकारियों को भी गुमराह करने का काम ये माफिया करते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अधिकारियों के द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जाती है। तो, और आप देखिए कि ये पत्थर पड़े हुए सामने बनाने के लिए कोरोना काल में रात को 3 बजे 2 बजे से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्य गया, जिससे कि सब दुकानदार को पता नहीं लगा। हम लोग भी कभी ऊपर नहीं आया, पता लगा हमें 6 महीने बाद। रोका गया तो उन्होंने न्यूज़ चैनल में बोला भी कि मैं तोड़वा दूंगा। अब ये देखिए टीन लगी हुई है, कुछ महीनों बाद ये पक्की हो जाती है अगर देखा जाता, जैसे वो पक्की हो गई है। और सबसे बड़ी बात है जिनकी जिनकी जगह है जिनकी, वो कह रहे हैं जब मेरी दुकान के ऊपर बनाई है, मुझे नहीं पता ये किराया बाजार साहब खा रहे हैं और 2-3 लोग मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमें परेशानी आ रही है कि डर के मारे सब जो दुकानदार आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, मैं अकेला उठा रहा हूँ तो मुझे परेशान किया जा रहा है। हमारे श्री विधायक रितेश गुप्ता भैया हैं, उनसे बातचीत हुई थी, वो हमेशा हर एक के सुख दुख में साथ रहते हैं। मैं उनके पास स्पेशली गया था 4 लोगों के साथ, मैंने कहा भैया ऐसे से बात है, तो उन्होंने कहा मैं पूरी कार्रवाई करूँगा। मैं उन्हें कागज़ दे के आया था कि करीब दिवाली पे ये सूचित करा दे, ये हो रहा है। और उसके अलावा 2-3 दुकानदार इसमें ऐसे हैं जो रितेश भैया के साथ फोटो खिंचवा के उनके नाम का प्रचार करके अपने आप की हैकड़ी दिखाते हैं और अपने आप को 2-4 व्यापार पता नहीं मंडल में बनाते हैं अपने आप को कि मैं इस पद पे हूँ। तो इस चक्कर में रितेश भैया को भी हमने बोला है कि आप ऐसे लोगों का ध्यान रखें जो आपका नाम, रितेश भैया खुद नहीं पता कि उनका नाम लेके ये चीज़ें करी जा रही हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।